कैसे आप लोग, मेरा नाम है भावना चौधरी और आज 15 अगस्त है। भारत अपना 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और आज के दिन हम सभी भारतीयों को बहुत ही ज्यादा उत्साह होता है, वो भी क्यों ना भाई, आज के दिन हमारे देश को आजादी मिली थी। मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को। हालांकि आज इंडियन मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बाहर से गाड़ियों को इंपोर्ट करती हैं और इंडिया में सेल करती हैं, लेकिन ऐसे में हमें उन कंपनीज को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए जो तैयार करती हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, मेड फॉर इंडिया प्रोडक्ट। तो आज ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ। फिलहाल मैं हूँ एम्पियर के शोरूम पर और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, एम्पियर को हाल ही में बेस्ट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का अवार्ड भी मिला है। फिलहाल कंपनी मार्केट में अपने 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल करती है, जिसमें से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो ये मैग्नस EX है। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के जो स्कूटर्स हैं वो बहुत ही कम कॉस्ट पर राइड होते हैं, सिर्फ 15 पैसे प्रति किलोमीटर पर आप इन्हें चला सकते हैं, जिसके चलते पेट्रोल का खर्चा तो आपका महीने का ना के बराबर हो जाता है। ये है मेरा पर्सनली फेवरेट मैग्नस ES इलेक्ट्रिक स्कूटर और इसमें आपको रेड कलर के अलावा और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो सबसे ज्यादा एंग्जाइटी होती है वो होती है रेंज एंग्जाइटी, कि पता नहीं ये स्कूटर एग्जैक्टली कितनी रेंज हमें निकाल कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि ये स्कूटर नया है, पिछले 2 साल से यह इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में है, तो बहुत सारे कस्टमर्स भी हैं जो इस स्कूटर को राइड करते हैं। और अगर हम रेंज की बात करें तो यह स्कूटर सिंगल चार्ज में 80-100 किलोमीटर तक की रेंज आपको बड़े आराम से निकाल कर दे देता है। और बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 2.36 किलोवाट की लिथियम आयन इसमें बैटरी मिल जाती है। अब एक और अच्छी चीज़ है इस स्कूटर की, वो ये है कि इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, सेकेंड फ्लोर पे रह रहे हैं या फिर आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भी रहते हैं, तो वहाँ पर स्कूटर को चार्ज करने का थोड़ा सा झंझट हो जाता है, तो उसके चलते इसमें रिमूवेबल बैटरी है, यानी आप बैटरी निकालिए और अपने फ्लैट पर ले जाइए या घर पर ले जाइए और वहाँ पर बड़े आराम से इसे चार्ज कर सकते हैं, कि बैटरी को चार्ज होने में 5-6 घंटे के आसपास का टाइम लगता है। वहीं अगर डिजाइन की बात करेंगे तो डिजाइन आप इसका फ्रंट एंड देखेंगे, काफी डिसेंट और काफी एलिगेंट इसका डिजाइन लगता है। यहाँ पर जो आपको लाइटिंग सेटअप दिया गया है ये वी शेप में आता है, जिसके चलते ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। प्लस इसमें आपको ट्यूबलेस टायर भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही इस स्कूटर में जो फ्लोर बोर्ड मिलता है यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एम्पियर ब्रांड के जो स्कूटर होते हैं ना सिर्फ फैमिली के लिए बल्कि यूथ के लिए भी तैयार किए जाते हैं। तो अगर आप एक स्कूटर को फैमिली पर्पस से यूज करते हैं तो जाहिर है रोजाना की जो चीजें हैं, सब्जी है, फ्रूट्स है, आप अपने स्कूटर के साथ ले जाना पसंद करेंगे। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्पेस की थोड़ी सी कमी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको फुटबोर्ड पर इतना सारा स्पेस मिल जाता है कि आप बड़े आराम से सामान अपना कैरी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और एम्पियर का मैग्नस EX राइड करते हैं तो यहाँ पर आप अपना लैपटॉप बैग भी बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। फाइनली बात आती है प्राइसिंग की, कि इस स्कूटर के प्राइस कितने हैं। तो यस, इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में जो फिलहाल स्कूटर अवेलेबल है वो सभी 1 लाख के अराउंड आपको मिल जाते हैं और अच्छी खासी रेंज देने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आपको 1 लाख के अराउंड ही कॉस्ट करता है। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में डील करती है, ग्रीव्स कॉटन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर भी बनाती है, यानी मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही नहीं है, मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर भी हैं, जो भारतीय सड़कों के हिसाब से बनाए गए हैं और बहुत सारे लोग इन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलरों के साथ एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लेते हैं। और ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के तहत कंपनी रिलायबल ई रिक्शा भी तैयार करती है, जिसे LE कहा जाता है। और खास बात यह है कि ये ई रिक्शा नोएडा में ही तैयार किए जाते हैं, यानी एम्पियर इज ऑल अबाउट मेड इन इंडिया मेड फॉर इंडिया। कंपनी जितने भी प्रोडक्ट बनाती है वो सभी मेड इन इंडिया होते हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की एक खास बात होती है कि ना सिर्फ ये रिलायबल होते हैं बल्कि भारतीय लोगों को रोजगार भी देते हैं और इसके साथ ही इनकी जो कीमत होती है वो भी काफी कम होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एक बार फिर से आप लोगों को 77th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।